अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी तक हमने लैंग्वेज की क्लासिफिकेशन देखी और लैंग्वेज के रिलेटेड कुछ टर्म्स यानी कि प्रोग्राम का मतलब हमने देखा, सॉफ्टवेयर का मतलब हमने देखा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। अब हमें देखना है लैंग्वेज जो है इसके तीन टाइप्स, मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। अभी हम इस टॉपिक में देखेंगे दो लैंग्वेज, वन इज मशीन लेवल लैंग्वेज एंड सेकंड इज हाई लेवल लैंग्वेज। उसके बाद एक क्लास होगी जिसमें मशीन डिपेंडेंस पढ़ेंगे और उसके बाद हम अलग से क्लास करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारे पास मशीन लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि तीन टाइप्स मैंने बोला, मशीन लेवल लैंग्वेज है, असेंबली लेवल लैंग्वेज है और हाई लेवल लैंग्वेज है। तो अगर हम मशीन लेवल लैंग्वेज को देखेंगे, कंप्यूटर जो है वो खाली एक ही लैंग्वेज को डायरेक्टली समझ सकता है, मशीन लेवल लैंग्वेज। इस मशीन लेवल लैंग्वेज में हम बाइनरी कोड यानी कि जीरो एंड वन का इस्तेमाल करते हैं। जो बाइनरी लैंग्वेज है इसमें खाली जीरोज एंड वंस का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए क्योंकि कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है, बिल्कुल मदर टंग की तरह है कंप्यूटर के लिए, इसीलिए इसकी स्पीड फास्टर होती है। तो मशीन लेवल लैंग्वेज जो है कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ सकता है डायरेक्टली, वो है मशीन लेवल लैंग्वेज। इस लैंग्वेज में हम खाली जीरोज एंड वंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे म्यूजिक हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी स्टोर रहता है वो जीरोज एंड वंस यानी कि बाइनरी फॉर्म में स्टोर रहता है। फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक अगर हम देखेंगे, गेम्स अगर हम देखेंगे, डॉक्यूमेंट्स अगर हम देखेंगे, फोटोग्राफ्स अगर हम देखेंगे, आगे तो हमें बहुत सारे कलर्स दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर कंप्यूटर में सिर्फ वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर रहता है, मेमोरी के अंदर वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर रहता है। उसी तरीके से जो मशीन लेवल लैंग्वेज जो है ये इनपुट भी लेती है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। जो इसमें हम कोड लिखते हैं, जो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, वो बाइनरी फॉर्म में होता है, तो कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है, इसीलिए इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। तो हमने क्या काम किया, जो मशीन लेवल लैंग्वेज है, मशीन लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है और उसकी स्पीड भी फास्टर है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जब एक यूजर इस मशीन लेवल लैंग्वेज को इस्तेमाल करेगा तो उस यूजर के लिए बहुत मुश्किल चीज है इस्तेमाल करना। क्यों? क्योंकि आपको खाली बाइनरी कोड दिखाई दे रहा है, आपको 2+2 लिखना है या कोई क्वेश्चन लिखना है या कुछ भी लिखना है, कंप्यूटर का सॉल्यूशन, उसमें इंस्ट्रक्शन, उसमें कोड, जो भी कोड लिखना है आपको बाइनरी फॉर्म में लिखना है, 0 0 1 0 1 0 0, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो अगर आज हम फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोग्राम लिखेंगे, उसमें अगर मैंने कोई कोड लिखा, अगर मैंने कोई प्रोग्राम लिखा, अगर मैं कहीं पे कॉमा भूल जाता हूं तो वो एरर आसानी से मैं नहीं निकाल पाता हूं, बाद में पूरा प्रोग्राम में डिलीट करता हूं, नए से लिखना शुरू कर देता हूं। इसीलिए अगर बाइनरी बाइनरी जो हमारे पास लैंग्वेज है, कहीं पे 0 या 1 में भूल गया, वहां तो हर जगह पे 0 एंड 1 ही लिखा हुआ होगा, तो वो कहाँ से मुझे दिखाई देगा। तो इसीलिए इसमें प्रोग्राम बनाना भी मुश्किल है और प्रोग्राम को समझना भी मुश्किल, क्योंकि बाइनरी है हर जगह पे। सो सबसे पहली प्रॉब्लम जो इस लैंग्वेज की है, इसमें दो प्रॉब्लम्स है बाइनरी लैंग्वेज में, जिसकी वजह से हमें शिफ्ट करना पड़ा दूसरी लैंग्वेज में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि दैट इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड डिफिकल्ट टू प्रोग्राम। जो मशीन लेवल लैंग्वेज है इसको समझना भी मुश्किल है और उसमें प्रोग्राम बनाना भी मुश्किल है। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम जो इसमें है, दैट इट्स मशीन डिपेंडेंट। मशीन डिपेंडेंट का मतलब होता है प्रोग्राम ऑफ वन कंप्यूटर विल नॉट रन ऑन अदर, वाई विल इट नॉट रन ऑन अदर कंप्यूटर बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इंटरनल डिजाइन। दो कंप्यूटर जो होते हैं उनका इंटरनल डिजाइन डिफरेंट होता है, एक का एक डिजाइन डिफरेंट, एक का एक तरीका, एक तरीके से वायरिंग की जाती है, दूसरे कंप्यूटर का, दूसरे मशीन की वायरिंग दूसरे तरीके से की जाती है। इसीलिए जो बाइनरी कोड, असल में जो बाइनरी कोड हमारी मशीन के अंदर होता है वो दो मशीन का मैच नहीं होगा, इसीलिए जब मैं इस कंप्यूटर का प्रोग्राम दूसरे पर चलाऊंगा तो वो वहां पर रन नहीं होगा। सो इट्स मशीन डिपेंडेंट। एक कंप्यूटर पर अगर मैंने प्रोग्राम बनाया तो वो दूसरे कंप्यूटर पर नहीं चलेगा, यानी कि अगर मैंने एक कैंट्रॉन बनाया कोई कंप्यूटर, दूसरा एचपी या डेल या कोई और कंपनी का कॉम्पैक का मैंने बनाया, तो उस पे वो प्रोग्राम रन नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग कंप्यूटर्स का डिजाइन अलग अलग होता है अंदर से, जो मशीन का डिजाइन होता है। सो इसीलिए इट्स मशीन डिपेंडेंट। जो मशीन लेवल लैंग्वेज में अब दो प्रॉब्लम्स है, एक इट्स मशीन डिपेंडेंट और दूसरी इट इज डिफिकल्ट अंडरस्टैंड डिफिकल्ट प्रोग्राम। फिलहाल हम एक प्रॉब्लम को निकालेंगे, मैं नई लैंग्वेज बनाऊंगा, नई लैंग्वेज का नाम हमने रखा असेंबली लेवल लैंग्वेज। इस असेंबली लेवल लैंग्वेज में हम इसकी एक प्रॉब्लम निकालेंगे, वो प्रॉब्लम ये है कि इसका जो पार्ट है इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड डिफिकल्ट टू प्रोग्राम, ये वाला पार्ट हम सॉल्व कर देंगे, उसके बाद हम देखेंगे मशीन डिपेंडेंस के बारे में। अब हम आ जाएंगे तो नई लैंग्वेज हम बनाएंगे, उसका नाम हमने रखा है असेंबली लेवल लैंग्वेज। तो ये असेंबली लेवल लैंग्वेज में जो है, अगर अपने बाइनरी जो हमारे पास बाइनरी लेवल या मशीन लेवल लैंग्वेज है उसमें जो कोड हम इस्तेमाल करते थे वो था 0 एंड 1 यानी कि बाइनरी लेवल लैंग्वेज, लेकिन असेंबली लेवल लैंग्वेज में जो हम कोड इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं निमोनिक कोड्स। तो न्यूमोनिक कोड जो, इसको हम न्यूमोनिक्स भी बोल सकते हैं। सो असेंबली लेवल लैंग्वेज में जो कोड इस्तेमाल होता है वो न्यूमोनिक कोड, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कंप्यूटर खाली एक ही लैंग्वेज डायरेक्टली समझ सकता है, वो है मशीन लेवल लैंग्वेज। असेंबली लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है, तो इसलिए हम क्या काम करेंगे, ये जो असेंबली लेवल लैंग्वेज है हम इसके लिए एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम लाएंगे।
फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान यहाँ पे कोई मिनिस्टर है, वो किसी चाइना में गया, वहां पे इसको बात करनी है, इसको तो ना उनकी लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, ना चाइनीज वालों को यहाँ के किसी मिनिस्टर की लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। तो हम क्या काम करेंगे, वहां पे असेंबली में होता है साइड में एक इंसान, उसको बोलते हैं ट्रांसलेटर, वो हमारी लैंग्वेज ट्रांसलेट करता है उनकी लैंग्वेज में। तो उसी तरीके से यहाँ पे जब हम देखेंगे, हम यहाँ पे एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम बनाएंगे जो प्रोग्राम कन्वर्ट करेगा असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर को समझ में आ जाए। तो उस ट्रांसलेटर प्रोग्राम का नाम हमने रखा असेंबलर। तो असेंबलर एक प्रोग्राम है जिसको हम यहाँ पे असेंबली लेवल लैंग्वेज में इस्तेमाल करेंगे एज ए ट्रांसलेटर प्रोग्राम। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, असेंबली लेवल लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम तो हमने निकाल दी थी, तो अब दूसरी प्रॉब्लम रह गई। तो दूसरी प्रॉब्लम क्या है, असेंबली लेवल लैंग्वेज जो है वो भी है मशीन डिपेंडेंट, यानी कि एक कंप्यूटर का प्रोग्राम दूसरे कंप्यूटर पे नहीं चलेगा। सो प्रोग्राम ऑफ वन कंप्यूटर विल नॉट रन ऑन अदर, व्हाई, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इंटरनल डिजाइन। एक कंप्यूटर का डिजाइन एक है, दूसरे का दूसरा। अब इंटरनल डिजाइन से हमें क्या फर्क पड़ेगा, वो फर्क हम समझाएंगे जो दूसरी क्लास होगी उसमें समझाएंगे।